हाँ मिर्जा, क्या बना प्रोजेक्ट का? हैं? कैसे चला गया हाथ से प्रोजेक्ट? इतनी मेहनत की हम लोगों ने, कौन 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 ले गया? मनीर अंबानी ले गया? ये अंबानी खानदान हमारे बिजनेस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं सबको। अच्छा नेक्स्ट अंबानी साहब आए तो उनको बाहर बैठाना, मेरा ना बताना, ओके? और प्रोजेक्ट का मुझे बेहद अफसोस हुआ है, लेकिन खैर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, 2-4 साल में ये प्रोजेक्ट आ जाएगा हमारे हाथ। ओके ये प्रोजेक्ट हाथ से जाना नहीं चाहिए था, इतनी मेहनत की मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए। अंबानी खानदान, अंबानी खानदान, जहां देखो अंबानी खानदान। बाहर की बेल खराब हुई है? अस्सलाम वालेकुम बॉस। बाहर की बेल खराब हुई है मैंने पूछा? नहीं बॉस, बिल्कुल ओके है। तो फिर इतना लेट क्यों आए तुम? सॉरी बॉस। सात बेल ना देती क्या मैं? सॉरी बॉस। अंबानी खानदान बिजनेस में फिर बाजी ले गया। बॉस तुसी बेफिक्र हो, तुसी चाह पियो, कोई नहीं, अंबानी ना मैं आप गल करदा, तुहाडी ना मन्नी उहने, मैं आप गल करदा। इहनां नूं नंबर दिओ अंबानी दा। ये क्या है, ये क्या तरीका है? Yeah. कितनी बार मैंने तुम्हें कहा कि जब भी मेरे लिए चाय या पानी लेके आओ, ये कप की जो डुंडी है इन्हें इंज रखना। की गल बॉस, उतों दी आ के पीनी तुसी? नहीं मैं, और दूसरे नंबर गिलास जो है ना, गिलास इसको ऐसे घुमा के रखना है, ठीक है? अच्छा अच्छा। और जो चम्मच है, चम्मच, और कोशिश करनी चीनी ये ऐसे रखा है। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका? मुझे एक कप और चाहिए। अच्छा अच्छा। इसका मतलब क्या है के एक कप और चाहिए? नहीं। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि मैं एक कप से ही गुजारा करूंगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नाम से दे कुछ। नहीं नहीं, इसका मतलब है चीनी 2 चम्मच, ठीक है? और इसका मतलब क्या है? कि कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं। हाँ जी। इसका मतलब है कि 2 कप नीचे रख दो, मैं थलो जो के दोपहरे पीऊंगी, ठीक है? और हाँ, हाँ जी, वो मैंने कहा था कि मुझे जीएम के लिए अखबार में जो इश्तिहार दिया था इंटरव्यू के लिए। जी जी बॉस। कौन आया? बॉस बात है, ढेर लगा पिया, मैं भेजा उन्होंने, दसो। मुझे बंदा काबिल और ईमानदार चाहिए। मेरे वर्गा प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जाना चाहिए यार। नहीं हाथों जाना, तुम हाथ तो हो गए प्रोजेक्ट में पायो, जरा देखो, नहीं ज्यादा बेफिक्र हो जाओ बॉस, ले आवा कले कले नु, बहुत परेशान ना हो। मैं हैगा ना, मेरे का मेरा एक बाबा या वाकफ आ, इस किसे दा तुहानू तवीर देगा, तुहाडियां सत्ते नसलां जिहड़ियां ना प्रोजेक्ट हाथों नहीं जान देणगे। अंबानी खानदान। केड़ा खानदान जी? अंबानी, इनके साथ मेरा मुकाबला है, इनके साथ मुकाबला है मेरा। प्रोजेक्ट नहीं मैं जाने दूंगा, बुलाओ सबको, मुझे मैनेजर चाहिए एक नंबर वर्किंग करने वाला, जो कि सारे प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आए। पैसे की फिक्र नहीं करनी, जाओ एक एक करके लेके आओ। ओके बॉस। और हाँ मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ। ज्यादा से ज्यादा आज मैं 3 या 4 बंदों को डील करूंगा, ठीक है? बाकी को कल का टाइम दे दो, ठीक है? जाओ। आ जाओ भाजी, आ जाओ आ जाओ। पैर बता दी कैसे कैसे मुंह तो जौपा लेने आ गए, सासर का मुंह है। लो बिजनेस करते वक्त टाई लानी, जूती ते ला दे भाई, जूती ते ला दे। ई मैं सलाम करना आया हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। टेक योर सीट। थैंक यू। ये उठाओ यहां से, ये उठाओ सर। यार ये तू कितने ओवर करा के आंदे पानी पीने लग गए, मैनू क्या है? अच्छा कैसे है सर? मैं नौकरी वास्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, नौकरी नौकरी के वास्ते आए हैं आप? ठीक ठीक ठीक। और अल्लाह वास्ते हैं, नौकरी वास्ते हैं। सीवी 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 सीवी। ओह माय गॉड, काफी में कम इन। नो नो, बाहर भेजो बाहर। आ आ आ, हां आने दो आने दो, मेरा पर्सनल, ये मेरा मुलाजिम नहीं है, ये मेरा मुलाजम नहीं है, नौकर है। हाँ जी, जी। बेटे की तरह उन्होंने मुझे मुलाजम रखा हुआ है। एक मिनट, मैं सीवी। इसको बाहर ले जाओ, ये जब लबल हुए इन्हें फिर ले गए। सर मेरी सीवी गई, इतना सर आ गया बाहर। बत्तरी नौकरी भी गई फिर।
सारे जरूरी कागजात उन्होंने पालना दे। सर यार वो एसी वाला आया कि नहीं आया? एसी वाला क्यों नहीं ठीक करके गया एसी अभी तक? टिश्यू ले गया? टिश्यू किधर है? टिश्यू ले गया। अच्छा बॉस सर, जल्दी से जाओ। सर की शवारवा भी लाया तुझे तो टिश्यू मंगाई। हेलो बॉस, मुंह साफ करो। इधर मुझे दो, मैं खुद कर लेता हूं। थैंक यू। वो नमा नमा दे। सर साल हो गया इस गल नु, डेढ़ साल हो गया। हां हाथ में रखो जी। ये आपकी सीवी है जी। सर वैसे सीवी दी आखरी डेट कितों हुंदी है? ये तो गैस दा बिल वा यार, ये भी असी लाउणा वा। सर ये भी मेरी सीवी है। अच्छा, क्योंकि मैं गैस दे महकमे जो 8.5 महीने 13 घंटे काम कीता। ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा, ये सीवी साइड पे रखो। मुझे ये बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है? तजर्बा कितना है? सर मेरा इतना लाख लाहौर तक एक्सपीरियंस है। मंठार चलाना, मंठार। अच्छा आप क्या कर लेते हैं? सर मैं हर किस्म का काम कर लेता हूँ। असल में क्या कर सकते हैं आप? सर मैं इंतजार कर सकता। चलो बाहर आ जाओ। फिर बाहर आ जाओ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं थोड़ी गल सुन सकता हूँ तो बाद में तनु। हाँ जी। अच्छा सीवी तो आपकी एक साइड पर रही है, आप मुझे ये बताओ कि हमला अगर करना हो, हाँ जी, सामने फौज ज्यादा तादाद में हो और आप लोग सिर्फ 4%, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? वाह वाह वाह, सुलह। सुलह करनी चाहिए। नहीं, सुलह की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस सवाल का जवाब दें तो मैं सोच सकता हूँ। सामने जो फोर्स है वो ज्यादा तादाद में है, आप सिर्फ 3% है। ਉਹਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੁਖਾਲਫ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫ ਫੌਜ ਦੀ। ਤਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਲਦੀ 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 ਬਤਾਓ, ਇਹ ਖਟਮੰਡੂ ਟਾਈਪ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਜੂ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਸ, ਉਹ ਜੌਬ ਅੰਬਾਨੀ ਖਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਭਾਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਚਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। अगला सवाल का अगर जवाब दे दिया तुमने, मैं फिर सोच सकता हूँ कि तुम्हें जॉब पे रख लूँ। मेहरबानी। क्वेश्चन जरा सोच समझ के देना, क्योंकि नौकरी का सवाल है तुम्हारा। सर मैं आंसर देना, क्वेश्चन तुसी देना। हाँ जी, कोई कोई भूल दे भी है। सवाल है, 4 मज्जां ते 3 कटियां। हाँ जी, कितनी बची जी? सर बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता, आप जा सकते हैं सर। और वो बेचारा सीधा सीधा कहो, तुझे नहीं रखना उन्हें। ये देखे ना, इसका है ही नहीं सिस्टम मैनेजर वाला। इसके बाल तो देखो कितने कितने बढ़ाए हुए हैं, बाल ऐसे होते हैं मैनेजर। सर तुझे 60 लगे आप काट दे। 60 लगे आप काट दे। चलो एक सवाल और, अगर उसका जवाब दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज तुमने चले जाना। ठीक है सर। थड़े होते थड़ा होते लाल कबूतर खड़ा, क्या है ये? इहदा जवाब मैनू आउंदा वा, लाल पंप, लाल पंप। सर जरा दोबारा सवाल करे जरा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये लाल पंप नहीं है, ठीक है जी सर। सवाल है कि थड़े होते लाल कबूतर खड़ा। मंजी। वेरी गुड। चला चलिए बाहर आ जा, इधर कड़े ने कई बंदे। चलो। अब इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है आपका? हाँ जी सर, मैं पकौड़े कट लेना जी मिट्टी के तेल से। मिट्टी के तेल से क्यों? इसके अलावा और क्या क्या कर लेते हो? सर मैं पेंचर ला लेना जी जहाजा नु, उड़ते जहाज नु जी। वाह जी। आला तलीम कहाँ से हासिल की? सर मैं मैट्रिक कीता न्यू मॉडल हाई स्कूल तो। वाह। आला तलीम मैं अफ्रीका के जंगल जो हासिल की थी। ओह माय गॉड जी। तभी तुम्हारा मुंह जिंगल वाला हूं जैसा है। जी सर जी, मेहरबानी। तो बात यह है कि मैं सॉरी टू से, मैं एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं देखूं तो तुम्हारी ये जॉब नहीं बनती। सर मैं 41 मुल्क फिरे है। कितने? 41 मुल्क फिरे मैं। साउथ कोरिया कहाँ है?
सर जिथों मैं हो गया है उत्थे ही है, हले तक उत्थे ही है। उत्थे ही है ईमानदार बंदा। अगर 8 नंबर का जूता है और 10 नंबर का पांव है तो कैसे एडजस्टमेंट होगी? सर वो अगर रूं रख लवे। ओह वेरी गुड। इन बार घट बार घट आ जा आ जा सर। ओ बाहर मत जाओ, मेरी चाहिए लाओ सर। चल 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 चल, कोई नहीं है कोई नहीं है। चल दौड़ जा, जॉब लेन आए थे पढ़ना होगा। बॉस कॉमन सेंस से सवाल करो जो इस जॉब से रिलेटेड है। इतना तक कैसे नहीं तारे को टिकना? नेक्स्ट नेक्स्ट लेके आओ। मैं पागल 7000 से तारे को लगा जल्दी लेके आओ। मैंने बिजनेस को अपने टॉप पे लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है। इतना नहीं पहुंचांदा होया। चलो लेके आओ नेक्स्ट। चार्जर भेजदा इन डब्बे चुके फिर। ओ गुड्डा किधर ले आना तू? ओ मैं राज फड़या सी इत्थों बड़ा ऊंची बुल्ले लगा सी। ओ देना 5 रुपए दा अगे ना जाई बॉस ने ले लेना, ओदा ही ले लेना। ओ तो बाहरों लिया 20 रुपए दा लगदा वा। हफ्ते बाद जाया करांगे बाहर यार। नहीं नरान गगन हैरान परेशान। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਜਾਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਖਬਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਲਿਖਦੇ। ਬੈਠਣੇ ਕਾ ਕਿਸਨੇ ਬੋਲਾ ਤੁਮੇ ਬੈਠਣੇ ਕਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੱਭੇ ਪੈਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਲੱਭੇ ਕਾਤੋਂ ਪੈਣਾ? ਤੂੰ ਮਨ ਬੌਸ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾ? ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਬਹੁ ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ। ਕਿਤਨੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਤਨੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ 18 ਬਣੀਆਂ ਵਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ 18? ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ 18 ਜਮਾਤੇ ਕੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ NA ਸਰ? MA ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NA ਤੋਂ 16 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਨੇ M ਸੇ ਆਗੇ N ਹੁੰਦਾ ਹੈ, NA ਕੀਆ ਆਪ। अच्छा तो एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारा जॉब के मतलब? उस्ताद जी एक्सपीरियंस जिद्दा ना कहो तुहाडी दुआ ना बंदा बिठा दो सामने, अल्लाह दी रहमत रब बंदा उठ के नहीं जाएगा जिन्ने तिकर तुहाडा वीर गल नहीं बनाएगा। माशाल्लाह तालीम तो आपने काफी, यानी कि 2 साल बाद ही लाए तुम। और कितने सालों का तजुर्बा है आपका? सर मेरे 4 साले और 2 सालियों का तजुर्बा। और तजुर्बा पूछ रहे भी तेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है? साले सालियों दे सड़े उन्हें जूती कपड़ा लगा देना। मैं तो नहीं तेरी गल्लां सुन रहा है ना। बॉस अंबानी खानदान टक्कर नहीं देनी? हाँ हाँ हाँ, टक्कर नहीं, उन्होंने टक्कर कौन दे सकता? उन्हें बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने मुकाबले दे आ सकते हैं। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। आप मुझे ये बताएं कि पहले कभी मैनेजरिंग की है कहीं पे? ओ सर जी मैनेजरिंग मैं बड़ी एक दिन की, सुबह सुबह मैं उठा राती मैं खा बैठा सी, पकौड़े नहीं होंगे, किसी बंदे ने मैंने कहा भी इन्हू सुपरवाइजर दी गोलियां दो, सुपरवाइजर दी गोलियां खादियाँ, फिर जाके मैं 2 वर्कर जो हल्के हल्के आते रहे फिर नाल, फिर मैं उन्होंने जाके कहा कि तू सही मैनेजरिंग कर दिया। यानी कि 3 साल का तजर्बा है आपका? आहो लिख लो लिख लो, 3 साल ही ले लो। अच्छा आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं उसको? अगर हम, मैं चाहता हूँ कि वो बुलंदियों पर जाए तो क्या कर सकते हैं आप? सर जी मैं बड़े फनकारा दिन नकल लाइनिया होंगे, एक तो सीधी जड़ी गल ये अभी मैं बताता हूँ, वो सनी देओल साहब कितना कहना है, ये मजदूर का हाथ है खातिया, तेरा अपना कितने है? दाईला होगा। अच्छा अच्छा, कतल जज कर लोहा पिघला कर उसका घर बदल लेता है, ये ताकत खून पसीने की कमाई की रोटी हुई की है, तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। सनी देओल का गला बैठा हुआ, परेशानी आई जाती है यार। वाह यार कमाल, और किदी आवाज आती है सर? देखो शाहरुख खान भी, शाहरुख खान, लेकिन एक शर्त है। हाँ जी, किरण आ नहीं कहना तू, ये सारी दुनिया ही आई गई जान दी बेचारे। ठीक है ठीक, इसके अलावा कॉपी करनी है आपने? अंजलि अंजलि, ये तुम्हारे साथ ये चंद बज्जो पल भर के मेरे वक्त ये मैं काट रहा हूँ, एक दिन आएगा जब अंबानी खानदान को हम लेकर यहाँ पे आएंगे और देखना तुम्हारी मोबाइल कंपनी अंबानी खानदान के सर चढ़ के बोलेगी, सर मैं आपके कंपनी को इतना बड़ा उरूज दूंगा, ये बच्चा भी पीछे हट जाए, आप भी पीछे हट जाए, मैं अकेला बैठ के सारी कंपनी को संभाल के दिखाऊंगा। ये शाहरुख खान शरबत भी था लाड़ी के। अच्छा और क्या कर सकते हैं सर? मैं ये भी कर सकता हूँ। नहीं बरू ये हमें चाहिए ही नहीं है। क्यों सर? हमें वो आदमी चाहिए जो ऐसे करता हो, ऐसे करके
ऐसे ऐसे करके ऐसे करके क्यों नहीं करते? तो क्योंकि ये कंपनी का काम है, मैनेजरिंग की है, नहीं फीस है। तुम्हें जॉब बिल्कुल नहीं मिल सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे जॉब नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती तुम्हें। इसका मतलब है तुम सब तो पहले मेरे को पूछा कि आपकी तालीम क्या है, तालीम तुम की करनी सी मेरे को, तुम हिसाब किताब करवाना सी, ब्याह का पूछा तुम, मतलब मेरे रिश्ता करवाना सी कितने, बच्चों का पूछा सी, बच्चे स्कूले पढ़ाने सी मेरे, की करना सी तुम, कहते तो पूछा तुम, पूछा किन्ने मरले का घर है, मैंने दस चार दवारी करा के देनी सी, तेन शर्म नहीं आती हैगी, तू मैं नौकरी तो रखना, तू ए नौकरी जो बहुत ही बगैरत आदमी, अच्छा वाला आदमी, ये तू बैठा, मैं तेन आप तेन अपनी नौकरी रखा, आज मैं बाहर कितने कुछ चंगे काम रखा, सफेदी वाला काम कर ला, इन्हें दफा मार चल जी ला तीन जो बकवास कर दिया, अंबानी खान टक्कर देगा, हराएगा। वो हराना नहीं है, मैं कहता हूँ कि उनको हराना नहीं, हमने उनके बराबर भी बिजनेस लेके आना, ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर ले जाएगा, लेकिन देखो सीधे सीधे सवाल पूछो, मैं लेके आना हूं, मैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट नु लेके आना है, नाले तुसी ना विचो तुम्हारे रियोड़ियां होनी जेड़ कट के खाओ, लेकिन तो भुलदा बहुत आ, तनखा ना भूल जियो मेरी, अजे 23 तरीक आ, तैनू कहया सी अगले भी नहीं 23 नु दांगा, ओ काले काला किन्नू कहया, ओए सॉरी अंग्रेज, ओ चिट्टे आया, क्या सी तेरी शक्ल आ चिट्ठी नसवार वाली, आया गल सुन रिया, भला कादी जॉब आ, तू चंगा भला तेन पंगूड़े चो 1500 बजता से, इतने वो हिसाब नहीं है, तेन हले तेन मैं 10-15 हज़ार ला देना, तू केरी वाली छली ला ला, पंगूड़ा पता मैं क्यों छड़िया, क्यों छड़िया, तेरे अर्गे तरसे बच्चे लागे खड़े रहने से मैं छड़ता, लै अगर उन्हें तेन ओके करता ना, मैं नहीं करना, समझ गया होगा तू आप ही, आ जा, प्यासा कौआ, एक कौआ प्यासा था, बाग में इधर उधर चल, कीड़े पड़ गए हमारे दफ्तर में, क्या बात है जी, यहाँ पे तो गर्मी बहुत है, मेरी जिल्द का मसला है यार, जिल्द तू ना कह, जिल्द तो लोग कहते हैं पढ़े लिखे मम्मी डैडी, तू कह मेरे चाने का मसला, मेरा चाना उतरता, मेरी तरपाल का मसला, इदा कह भी मेरे चमड़े का मसला, ओह माय गॉड यार, यार ग्लासेस तो उतारो यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं असल ना पता क्या कि ज्यादा मैं ग्लासेस उतारता नहीं, मेरी आंखें जो है वो खूबसूरती चीजें देखती हैं, नहीं नहीं तो मैं असि भी खूबसूरती देख दे, तेरे तो मोती उतरे लाला, तू तो बसंत मनाने निकलिया, शट अप यार, मैंने बाहर क्यों बाहर टाइम वेस्ट क्यों किया, वो एक न जाने कौन सा बदतमीज आदमी मिला, उसने मुझे टच किया बकायदा, और मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना मुझे फील हुआ कि मैं यार, अच्छा उसने टच किया या आपने टच किया, मैं तो किसी को टच करता नहीं हूँ, उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये फील हुआ कि यार उसका वो म्यार नहीं है मेरे मेरे साथ टच होने का, और फिर भी मेरे साथ टच हो गया वो, और सीढ़ियों से जब आप ऊपर आ रहे थे वो बंदा नीचे जा रहा था, जी जी ठीक है, और दरमियान में आप टकराए, जी आप मुझे ये बताएं उस बंदे का कसूर था या आपका कसूर था, ग़ालिबन उस जाल का कसूर था, बिल्कुल ठीक है, मेरा तो कसूर नहीं था, मैं तो अपनी साइड पे बड़े आराम से गुनगुनाता हुआ जा रहा था, वो बन भी आ रहा था, जाहिल का कसूर था, उस जाहिल का कसूर था, बदतमीज आदमी, उसे बदतमीज मैं नहीं था, तुम थे, तुम आपके साथ टकराया था, मेरे साथ टकराया, ये मुझे कह रहा है, वो आप थे, मैं था वो, सॉरी सर मुझे पता नहीं चला, उस वक्त ऐसे मैं जा रहा था और मैंने देखा नहीं आपकी तरफ, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, तुम्हें शायद पता है कि हमें अपने ऑफिस के लिए एक तजर्बाकार मैनेजर की जरूरत है, क्योंकि हमारी कंपनी दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है, और मैं चाहता हूँ कि ये मजीद तरक्की करे, सीवी किधर है तुम्हारी, वो अपने पेके गई हुई है, ओए बीवी दा नहीं पूछने, सीवी दा, तेरा एक्सपीरियंस लेटर सफा जा अजे ते लिखया, तो कदों जम्मया ते मरना कदों है, सारा कुछ लिखया हो जी, आप मुझे ये बताएं आपका एक्सपीरियंस कितना है, तजर्बा कितना है, एक्सपीरियंस और तजर्बा, एक्सपीरियंस पूछा ना आपने जी, एक्सपीरियंस मेरा इतना है कि मैं सुबह तकरीबन जूस पीता हूँ, नहीं नहीं कहने का मकसद ये नहीं है, मैं ये चले सीधी सिंपल सी बात कर लेता हूँ, 13 छती की गली होवे जी, कितनी देर में आप साफ करेंगे, हाँ अखबार पढ़ते पढ़ते तकरीबन मुझे को 15-20 मिनट लग जाते हैं, पहले मैं अखबार पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं जॉगिंग करता हूँ, फिर मेरा एक ड्राइवर है उसने मस्जिद होनी होती है मेरी, तो इसका मतलब आपको जॉब की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं मेरे तो अपने शिप चलते हैं, मैं खुद बिजनेस मैन हूं, शिप चलते हैं, शिप, मेरी कोशिश है कि आप मेरे पास जॉब करें, और आप भी, मैं जी जी तो देखो
तुहाडे पेते निकली तुसीं मेरे को नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना मेरा पैसा है मैं सब इस बिजनेस में लगा दूँ। बिल्कुल। और मुझे उसके लिए कोई अच्छे से खूबसूरत से, जैसे मैं खूबसूरत हूँ, जैसे मेरी पर्सनैलिटी है, जैसे मेरी वैल्यू है, जैसे मेरे पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, कारें हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इतना पैसा किधर इन्वेस्ट करूँ। खाने वाली शायद मंगाओ, कोई भोरा हलवा हलवा, कोई नान चने, कोई भी शायद नहीं पूछनी। खरे रुपया बंदा वा, सारे बंदा एक उड़ता वा। वो तो क्रेडिट कार्ड में है ना, वो तो मैं छेड़ूंगा नहीं, उनको पैसों को तो मैं हिला ही नहीं सकता, चाहे कॉफी कुछ नहीं पूछते आप। ना जाने कौन से दफ्तर में आ गया यार। मैं मेरे लिए कुछ मंगाया तो सही, कोई बिस्किट मंगा ले, पार्टी या कैनेडा। बेगम ने सवेरे ही सिटी, तुसी लेट हो गए। नहीं, चाय वगैरह, कॉफी वगैरह, ग्रीन टी कुछ नहीं पूछते आप। नहीं भाई, ग्रीन टी वाला तेरा मुंह ही नहीं है। निकाल बाहर इसको। किसको निकाले? तुम आप मुझे जानते नहीं है। तुम कौन हो? कौन हो? मेरी खाला ना मुन्ना, तुम कौन हो? अंबानी खानदान का मैं शख्स हूँ और मैंने आज देख लिया कि आप जो कर सकते कुछ नहीं कर सकते। अंबानी खानदान बेस्ट। तेरी मैम इन बार मेरी बात और एक बात मैं आपको गंदा चल जीते जी बात चवल ये ना होता। गल बात